देखिए बहादुरगढ़ से दलाल खाप चौरासी की महापंचायत चल रही है। इस वक्त महापंचायत जारी है। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत शामिल हैं। महापंचायत में किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी भी शामिल हैं। गुरनाम सिंह चडूनी का बयान आया है कि कृषि कानून देश हित में नहीं है। एमएसपी कानून बनने पर संशोधन पर विचार संभव। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रहे, भाईचारा तोड़ने की कोशिश फेल। गुरनाम चडूनी कह रहे हैं कि भाईचारा तोड़ने की कोशिश फेल, किसानों का भाईचारा और ज्यादा मजबूत हुआ। जितनी देर हो रही आंदोलन उतना फैल रहा है। बहादुरगढ़ से तस्वीरों के साथ ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। आंदोलन अपडेट है। ये दलाल चौरासी की महापंचायत, दलाल खाप चौरासी की ये महापंचायत जारी है। महापंचायत में गुरनाम सिंह चडूनी का बयान, राकेश टिकैत भी महापंचायत में शामिल हैं। गुरनाम चडूनी ने यहाँ पर कहा कि कृषि कानून देश हित में नहीं। गुरनाम चडूनी बोले कि एमएसपी कानून बनाने पर संशोधन पर विचार संभव। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रहे, तो अब से थोड़ी देर पहले हम इसी पर बात कर रहे थे कि क्या अगर एमएसपी कानून लिखित में दे देती है सरकार तो संशोधन पर विचार करेंगे। किसान नेता गुरनाम चडूनी ने मंच से ऐलान कर दिया कि अगर एमएसपी का लिखित कानून मिलता है तो संशोधन पर हम विचार कर सकते हैं। प्रवीण धनखड़ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवीण, एक बार फिर हम इस आंदोलन के उसी मुहाने पर आके खड़े हो गए हैं क्या जहां से इसका आगाज हुआ था। आंदोलन पर आने से पहले, दिल्ली को घेरने से पहले किसान यही कहते थे, बार बार कहते थे कि एमएसपी की लिखित गारंटी दे दो तो हमें यह मंजूर हो जाएगा। एकाएक उन्होंने एक सुर एक राग अलापना शुरू किया, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। आज ये थोड़ा नया है, एकदम से अगर कहें तो ये पूरा ही नया है कि अगर आप हमें एमएसपी पर कानून बनाकर दे देते हैं तो संशोधन पर हम विचार करेंगे। खुद गुरनाम चडूनी ये कह रहे हैं। का लगातार इस किसान आंदोलन को लेकर ये बात सामने आ रही थी कि किसान कह रहे हैं दिनों के लिए कानून रद्द हो और सरकार कह रही है कि संशोधन का रास्ता खुला है, लेकिन किसानों की तरफ से हर बार यही कहा गया कि कृषि कानून रद्द होने से कम उन्हें कोई मंजूर नहीं है। लेकिन जो जो आंदोलन आगे बढ़ रहा है, किसान नेताओं पर भी दबाव बनता है क्योंकि लगातार यहाँ पर किसानों की मौत हो रही है। और गुरनाम चडूनी ने साथ ये कहा है कि अगर कोई बीच का रास्ता निकलेगा तो वो तब निकलेगा जब पहले एमएसपी पर कानून बन जाए, और एमएसपी पर जब प्राइवेट का अगर खरीदार होंगे तो जो भावांतर होगा सरकारी रेट का और प्राइवेट खरीदार का, वो सरकार दे और केंद्र सरकार पूरे दाम पर खरीदे, तब ये बात कही जा सकती है कि बीच का कोई रास्ता निकले। लेकिन राकेश टिकैत से जब इस संदर्भ में बात की गई तो राकेश टिकैत ने कहा कि ऐसी कोई भी डिमांड नहीं है, तीनों कृषि कानून रद्द होने के अलावा एमएसपी पर कानून बनेगा तभी किसान उठेंगे। भावांतर भरपाई योजना हरियाणा में पहले से है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, हालांकि कुछ ही फसलों के लिए है। क्या हरियाणा के किसान भी ये चाहते हैं कि सभी फसलों के लिए ऐसा सरकार अनाउंस कर दे? प्रवीण, चलिए फोन डिस्कनेक्ट हो गया, हम दोबारा पहुंचेंगे महापंचायत पर अपडेट के लिए।